Co-powered by Techno. और वहीं बिहार से बड़ी खबर, बिहार के सीतामढ़ी में टूट गया बांध। बागमती नदी में उफान के चलते बांध टूट गया। बांध टूटने से कई गांव में भारी नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों का दावा है कि बांध में पिछले कई घंटों से रिसाव हो रहा था, जिसकी सूचना अधिकारियों को दी गई थी। तस्वीरें सीतामढ़ी के बिलसन प्रखंड की हैं, जहां मंदार बांध टूटने से 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बागमती नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से ये बांध टूट गया। पानी के तेज बहाव के सामने कई मिट्टी के मकान टिक नहीं पाए और पानी में समा गए। घरों का सामान पानी के साथ बह गया, कई जानवर भी लापता हैं। देखिए अभी यहाँ पे मरकोल में जो है बांध टूटा है 50 फीट के करीब। और वहीं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में लगातार बारिश की वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। अधिकतर गांव का संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। बाढ़ के पानी ने शिकारपुर थाना क्षेत्र के गौरीपुर मंजरिया गांव को भारी नुकसान पहुंचा है। देखिए किस तरह से बाढ़ का पानी गांव जाने वाली मुख्य सड़क को काट कर बह ले गया। गांव का संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। बाढ़ से कई सौ एकड़ धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। लोरिया के साहू जैन हाई स्कूल में पानी भर जाने से स्कूल को बंद करना पड़ा है। पंडई नदी में आए उफान से नरकटियागंज प्रखंड के कई गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। घरों में पानी भर चुका है, जिसकी वजह से ग्रामीण अपना आशियाना छोड़ कर जाने को मजबूर है। और अब बात बिहार के सहरसा जिले की, जहां पर कोसी बैराज से 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से हाहाकार मचा हुआ है। तस्वीरें सहरसा के नोहट्टा प्रखंड की हैं, जहां कोसी नदी के तेज बहाव से कई गांव में तेजी से कटाव हो रहा है। कोसी बैराज से 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में कोसी नदी का जलस्तर और बढ़ना तय है। ग्रामीणों के कई कच्चे मकान कोसी नदी में डूब चुके हैं। बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डरे सहमे लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी है। जो हमारे नदी के तटबंध के अंदर जो लोग बसे हुए हैं, उनको भी अलर्ट किया जा रहा है कि वो अपने जो निचले इलाके वाले घर हैं उनको छोड़ करके आप बाहर निकल जाएं। बिहार के सुपौल जिले के हालात भी बेहद खराब हैं। कई दिनों से कई गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। खाने पीने के सामान की किल्लत से अब लोग जूझ रहे हैं। गंडक नदी के तेजी से बढ़ते जलस्तर की वजह से पश्चिमी चंपारण के निचले इलाके पानी में डूबे हैं। लगातार बारिश की वजह से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। घरों में पानी घुसने से घरों में रखा सामान खराब हो चुका है और लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तस्वीरें सुपौल जिले के आसनपुर की हैं, जो पिछले कई दिनों से बाढ़ की चपेट में है। गांव में आवाजाही का कोई रास्ता नहीं बचा है, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी भरा है। बाढ़ ने खेती को भारी नुकसान पहुंचाया है। पानी कब तक निकलेगा कहना मुश्किल है। अब बिहार के कुछ और इलाकों के हालात आपको दिखाते हैं। नेपाल में हो रही बारिश का सीधा असर इन इलाकों पर पड़ा है। ये इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। तस्वीरें पश्चिमी चंपारण के बगहा की हैं, जहां गंडक बैराज से 5.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में है। पिपरासी प्रखंड के सेमरा लबदाह में बाढ़ का पानी घरों में तेजी से घुस रहा है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। नेपाल में भारी बारिश और कोसी बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से मधुबनी में बाढ़ आ चुकी है। मधेपुर प्रखंड के लोगों का दावा है कि 56 साल बाद कोसी नदी ने ऐसी तबाही मचाई है। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करके राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। बिहार में जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि नेपाल में भारी बारिश की वजह से बिहार बाढ़ की चपेट में है। नेपाल में इस बार जितनी बारिश हुई है 1968 के बाद ऐसी बारिश कभी नहीं हुई, जिसकी वजह से बिहार बाढ़ की चपेट में। नेपाल में इतनी बारिश हुई है कि 300 mm बारिश थोड़े ही टाइम में हो गई। आप लोगों को भी जानकारी होगा 1968 के बाद शायद इतनी बारिश नहीं हुई थी। 68 के बाद 6 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी कोसी से निकला है, लगभग उतना ही गंडक से निकला है। मैं भी इस विभाग में था, हम लोगों ने कभी इतना पानी नहीं देखा था। ये तो नेचुरल कैलेमिटी है जितना पानी आया है, लेकिन कहीं भी एम्बैंकमेंट अभी तक एक जगह केबल आया है बागमती में सीतामढ़ी के पास कहीं, जो कहीं ब्रीच किया है, मतलब पाइपिंग हो रहा है, लेकिन कोई एम्बैंकमेंट सुरक्षित है।
और वहीं गुजरात में भी भारी बारिश का दौर जारी है। बनासकांठा जिले में बारिश के बाद किस तरह के हालात बन गए हैं आपको दिखाते हैं। तस्वीरें बनासकांठा के अंबाजी इलाके की हैं, जहां तेज बारिश के बाद पूरा इलाका जल भराव की चपेट में आ गया। सड़कों पर इतना ज्यादा जल भराव हो गया कि पानी में कई गाड़ियां खराब हो गई। गाड़ी में मौजूद लोग मदद का इंतजार करते दिखे। अब जरा रिहायशी इलाकों की हालत भी देख लीजिए। अंबाजी इलाके की कॉलोनी में कई फीट पानी भर गया। बारिश का दौर कई घंटों तक जारी रहा। लोग पूरे दिन घरों में दुबके रहे। बारिश के बीच तेज रफ्तार से हवाएं भी चलती रही। Co-powered by Techno.